उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत जो माफिया लैंड माफिया है अहमद, उनके घर पर यानी कि पत्नी के नाम से जो पोती थी उस पर कार्रवाई की गई है। और हम आपको अगर दिखाएं कि ये जो कार्रवाई है ये वो बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर, ये सूचना पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को सील किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये लॉक है, इसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट की स्टैम्प लगा के इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इस पूरी जो बिल्डिंग है 8000 स्क्वायर फीट की है और इसकी कीमत जो है तकरीबन 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लखनऊ के ही ये मड़ियाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शेरवानी नगर में ये कोठी पड़ती है। हालांकि यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनको इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कोठी जो जिनकी कार्रवाई की जा रही है, रफी अहमद है उनकी पत्नी शाहिस्ता परवीन के नाम पर ये कोठी है। हालांकि इसमें कोई रह नहीं रहा था, केयरटेकर्स रह रहे थे, लेकिन प्रयागराज की पुलिस टीम अपने ऑफिसर्स के साथ में और लखनऊ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पहुँच कर उसकी कार्रवाई की। कार्रवाई होती है गया है और इसमें पहले पुलिस ने अंदर का सामान निकाला है बाहर, उसके बाद जितने भी कमरे थे सबको लॉक किया गया। आपको बहुत बात बताते हैं बड़ी चीज के जो ताले थे वो तकरीबन एक थैले में लेकर यहाँ की पोस्ट पहुंची थी और पूरे थैलों से भरे हुए तालों से लॉक किया गया है। यानी कि ये गैंगस्टर एक्ट के तहत सरकार हमेशा बताती रही है कि योगी सरकार का मानना है कि जीरो टॉलरेंस के जो क्राइम के कार्रवाई है और अब ये लखनऊ की प्रॉपर्टी कर दिया गया और जो प्रोसीजर होता है चाहे वो दुर्घटना बजाने का हो, स्टैम्प को लॉक करने का हो, उसके साथ बोर्ड लगाने का, इस सभी प्रोसीजर को पूरा किया गया। और यही जो वजह है आज लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव आज।